हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड का एक गांव जरमैट, जिसमें एक पहाड़ है जिसका नाम है मैटरहॉर्न। तो दोस्तों इस पहाड़ पे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि इंडिया का एक फ्लैग लगा था। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसके गांव के जो स्विट्जरलैंड का जो गाँव है जरमैट उसको देखेंगे, उसकी खूबसूरती देखेंगे। तो दोस्तों ये गाँव है जरमैट, आप देख सकते हो कि पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर डूबा पड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा गिरती है इस पूरे इस गांव में, और यहीं पे स्विट्जरलैंड ने एक महीने पहले इसके पहाड़ पे जरमैट के पहाड़ है मैटरहॉर्न के ऊपर इन्होंने भारत का झंडा लगाया था। तो दोस्तों आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वो झंडा क्यों लगाया गया था और किस उद्देश्य से लगाया गया था। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको वो गाँव दिखाता हूँ, जरमैट गाँव। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जरमैट गाँव है, अरे वहाँ के घर हैं। तो आप जैसे ही देख सकते हो घर पूरी तरह से लकड़ी के बने हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में होते हैं शिमला और कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। और देख सकते हो कि यहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। और इसके आगे हम दिखाएंगे वो पहाड़। तो दोस्तों एक तरफ से आप देख सकते हो ये वो पहाड़ है, और ये सामने जो चोटी दिख रही है वो है मैटरहॉर्न की जो एक गाँव में आता है जरमैट में, और ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो यहीं पर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इसी पहाड़ पर इंडिया का फ्लैग लगाया था, और जो कि बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और वो रात के टाइम फ्लैग वो पूरे वर्ल्ड ने देखा था कि इंडिया का फ्लैग यहाँ पे लगाया। तो दोस्तों वो इसलिए लगाया गया था क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये फ्लैग है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस के टाइम पे दवाइयाँ दी थी, तो उसको और किस तरह से इंडिया लड़ा कोरोना वायरस के लिए और पूरे वर्ल्ड की हेल्प करी है, तो इसके कारण स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने हमारा झंडा अपने पहाड़ पर लगाया था। तो दोस्तों ये गाँव के कुछ दृश्य हैं, आप देख सकते हो कि कैसे पुराने ज़माने के अब भी ट्रेडिशनल पानी के नलके हैं यहाँ पे, और एक बार में आप देख सकते हो नलकों में तीन तीन जगह से पानी आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, प्राकृतिक डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं है और बहुत ही पुराने तरीके से है और साफ़ सुथरा है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम आप देख सकते हो कि पुराना जो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी है वही है यहाँ पे। और आप अगर आप गाँव के अंदर एक देखोगे तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, रोड है काफ़ी साफ है और काफ़ी चौड़ियाँ घर स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, और ये पूरे घाटी में है, जरमैट गांव की घाटी में, और इसके सामने ही मैटरहॉर्न माउंटेन है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको गांव अच्छा लगा होगा स्विट्जरलैंड का। और एक आपको एक चीज़ नई चीज़ बताई थी कि जरमैट में ही मैटरहॉर्न माउंटेन है जहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा था, और ये स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। और इस गाँव में 12 मास में से 9 महीने से ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, क्योंकि ये एल्प्स के जो पहाड़ हैं उनके काफ़ी नज़दीक है, इसी कारण यहाँ पे पूरे टाइम पे बर्फ़ रहती है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो यहाँ पे केंद्र है जरमैट में जो मैटरहॉर्न माउंटेन है उसके कारण, और दूसरी इसकी प्राकृतिक खूबसूरती। धन्यवाद।